सो हाय एवरीवन, मैं हूँ अनामिका गुप्ता फ्रॉम मिस्टिकल माइंड्स। और आज की जो हमारी रीडिंग है वो है कैंडल वैक्स रीडिंग प्लस टैरो कार्ड वाली भी रहेगी हमारी इसमें, और ये है नेक्स्ट मंथ के लिए अप्रैल 2021। तो कैसा जाने वाला है आपका 2021 अप्रैल का महीना, तो आप देखो समझो और आपको जो भी अट्रैक्ट कर रही हो कैंडल आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो। पहला है हमारे पास ग्रीन, दूसरा है हमारे पास ये ऑफ वाइट सा है कैंडल, ठीक है। तो ये दूसरा कैंडल है और ये पहला है, तो हम देखेंगे कि जिन्होंने भी ग्रीन कलर का कैंडल सिलेक्ट किया है तो क्या कहती है उनकी नेक्स्ट मंथ की रीडिंग, देखते हैं। तो आप सबको ऑल द बेस्ट। तो यू आर मतलब कि ग्रोइंग समवेयर, ठीक है। ओके, तो आपके पास कोई ऑफर आने वाली है अप्रैल मंथ में, कोई जो आपको शायद चाहिए थी, जो अपॉर्चुनिटी आपको चाहिए थी वो मिलने वाली है, ऐसे कोई लेके तो आएगा आपके लिए, ऑफर तो आनी ही है। तो आपको लगेगा कि बस आप जीत चुके हो, जो भी आपकी विश थी वो पूरी होने वाली है अप्रैल महीने में, तो ये गुड साइन है आपके लिए। थोड़े बहुत अगर उदास हो ना तो जरूरत नहीं है अब, क्योंकि नेक्स्ट मंथ काफी अच्छा जाने वाला है आपका। आपके घर में कोई मतलब हो सकता है कि बेबी आ सकता है आपके घर में, फैमिली में। बहुत खुशी, आप ऐसे उछलने वाले हो बिल्कुल कि ये विश जो थी वो आपकी पूरी हो गई है और आप बहुत ज्यादा खुश होने वाले हो, ठीक है। आपको पिकॉक दिख रही होंगी ना बार बार, कहीं पे भी दिखे तो मुझे बताना, ठीक है। तो आप बहुत जल्दी जल्दी ग्रो करने वाले हो, लेकिन आप जो मेहनत कर रहे हो आप उसी तरीके से चलो, आप जैसा हार्डवर्क कर रहे हैं वैसे ही करो, तो आप बहुत जल्दी सक्सेस मिलेगी आपको। जो भी आपका नहीं हो रहा है काम वो हो जाएगा अप्रैल महीने में। और पता है इसे क्या होगा ना, आप ना दूसरों की हेल्प कर पाओगी। मेरे को लग रहा है कि नेक्स्ट मंथ जो रहेगा उसमें आप काफी लोगों की हेल्प करने वाले हो, तो जरूर करो हेल्प। हेल्प करना बहुत अच्छी बात है, तो आपको जरूर करनी चाहिए, जितनी मदद हो सके उतनी करिए, तो आपके लिए ही अच्छा रहेगा। तो आप बैलेंस बनाने की कोशिश करोगे किसी ना किसी चीज़ में, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो फैमिली मैटर और अपना जॉब को लेके हो, कुछ भी हो, मतलब दो चीज़ों में आपका बैलेंस रहेगा। कहीं ना कहीं आप थोड़ा बहुत कंफ्यूज रह सकते हो, तो डोंट वरी, उस चीज़ से आप जल्दी निकल आओगे, तो इतनी दिक्कत नहीं है। मुझे पता है क्या दिख रहा है यहाँ पे, मुझे लग रहा है कि ना आप बिल्कुल बहुत मतलब कैसे बोल दूँ मैं, चालाक टाइप के, आप बहुत सारी मन में बहुत ज़्यादा आपके किसी न किसी एक के लिए या फिर किसी, मुझे नहीं पता कि ये किस मामले में है, तो लेकिन आप किसी न किसी के लिए आप बहुत ज़्यादा चालाकी से उसके साथ रहना चाहते हो या फिर वो काम करना चाहते हो, ठीक है, दैट्स योर चॉइस, वो आपकी चॉइस है, वो मैटर है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि आप इस तरीके से मत करना ज़्यादा, ठीक है, जितना हो सके उससे दूर रहना। कि आप चालाकी से कोई काम करो या आप धोखेधड़ी से कोई काम करो तो वो मत करना, क्योंकि वो करोगे तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, नहीं तो फिर किए कराए पे पानी फिर जाएगा आपका। आपका जो भी मेहनत कर रहे हो तो वो करो, लेकिन किसी के साथ धोखा करके मत करना, किसी के साथ चालाकी मत करना, तो सही रहेगा, अदरवाइज़ थोड़ा दिक्कत हो सकती है। तो आप ना एक निखर के आओगे, आप अपनी पर्सनैलिटी, आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होगी, ठीक है, आप अपने आप पे ध्यान दोगे अब नेक्स्ट मंथ में। ऐसा मत करना कि किसी के साथ पहले से बात कर ली हो फिर आप कुछ और, मतलब इस तरीके से मत करना, बात करके फिर किसी को धोखा दे देना ये मत करना, ठीक है, नहीं तो इसमें आपको ही प्रॉब्लम है। बहुत ज़्यादा
फूडी हो रहे हो तो मत हो इतने ज़्यादा, नहीं तो आपकी हेल्थ पे असर पड़ सकता है, गड़बड़ हो सकती है आपकी हेल्थ, इसलिए बोल रही हूँ। कहीं ना कहीं आप बहुत मेहनत करके अपने आप को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हो, या फिर आपको जहाँ भी आपको लग रहा है, जहाँ पे आपको जॉब मिलने वाली है या फिर बिजनेस हो, जो भी हो, तो वहाँ से मतलब आपने काफ़ी मेहनत करी है और हार्डवर्क आपका अभी भी है कि हार्डवर्क कर रहे हो आप बहुत ज़्यादा, तो करो। लेकिन बस मैं यही बोल रही हूँ, किसी के साथ धोखाधड़ी मत करना। बाकी तो आपका सब बेस्ट है, अप्रैल मंथ अच्छा जाएगा आपका। किसी ना किसी से तो नई मुलाकात या फिर कोई आपका पुराना फ्रेंड ऐसे कुछ मिल सकते हो आप लोग, ठीक है? तो वो चीज़ भी है यहाँ पे, काफ़ी टाइम से जिससे बात नहीं हुई है, मे बी उससे बात हो जाए आपकी, ठीक है? उनका टेक्स्ट आ जाए, कॉल आ जाए, मैसेज आ जाए, वॉट एवर, तो आप अपने हिसाब से देख लो, जैसे भी रेजोनेट करे आपको। पहली बात, एक बात और, किसी का गलत मत सोचना कभी, गलत मत सोचना बस। आपको मतलब मेरे को लग रहा है कि आपको कहीं घूमने जाने का बहुत मन कर रहा है तो, लेकिन आप जा नहीं पा रहे हो, मन बंद जाता है आपका कि नहीं, पहले आप सोचते हो कि जाऊं, फिर सोचते हो कि नहीं जाऊं, तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ये मत सोचना कि कैंडल बुझ गई है, डोंट वरी। दूसरों से ज़्यादा छुपने छुपाने की ज़रूरत नहीं है वैसे आपको, कहीं ना कहीं आपकी डेविल एनर्जी आ जाती है, तो मुझे ऐसा भी यहाँ पे फील हो रहा है कि आप ना आप किसी चीज़ को पकड़े बैठे हो और ना आप उसको छोड़ना भी नहीं चाहते और उसके साथ रहना भी नहीं चाहते हो, तो दो ही दोनों सिचुएशन यहाँ पे हैं, तो आपके साथ जैसे भी रेजोनेट करे आप ले सकते हो, जैसे भी आपको लगे। मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि आपको हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप उस पर ध्यान दो। मेडिटेशन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको, बहुत ज़्यादा, तो आप ध्यान दो भाई उस चीज़ पे। आपको रात रात को नींद नहीं आती है, आप जब घर में पूजा करते हो ना कभी, तो आप शंख बजाया करो उसके बाद, ठीक है? आपको ही फायदा होगा उससे। ठीक है, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है आपका सब, और मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत चीज़ें आपकी इधर उधर हो चुकी हैं अभी, तो आप सोच रहे हो कि वो एकदम से बैलेंस्ड हो जाए सारी चीज़ें, जो जैसी आप चाहते हो वैसी हो जाए। लेकिन मैंने जैसे कि बोला है कि आप किसी के साथ गलत मत करना, किसी को धोखा मत देना, किसी के साथ चीट मत करना, तो सब बैलेंस हो सकता है नेक्स्ट मंथ में, ठीक है? अगर आपने फिर गड़बड़ करी तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। J और I इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है? ज़्यादा गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है, इतना ज़्यादा गुस्सा आता है ना आपको, लेकिन इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है वैसे, ठीक है? वैसे आप कम बोलते हो, कम, आई थिंक कुछ लोगों के लिए कोई कम बोलता है, लेकिन एकदम से बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, बहुत हंसता रहता है, हंसता रहता है, फिर उसके बाद ना कोई कुछ पोक कर देता है तो गुस्सा आ जाता है। कहीं ना कहीं आप आलसी भी होते जा रहे हो, तो वो मत हो, ठीक है? नहीं तो आपके काम जितने बनने के दिख रहे हैं इसमें, फिर उतनी गड़बड़ कर जाएंगे, तो फिर आपको ही प्रॉब्लम होगी। मेडिटेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा आपके लिए, क्योंकि उससे आपका दिमाग भी शांत रहेगा और आपको फालतू के ख्याल नहीं आएंगे उल्टे सीधे, ठीक है? जैसे भी हैं बिल्कुल, आप अपनी करियर पर फोकस करो, या जो भी आप करना चाहते हो उस पर फोकस रहो एकदम से बिल्कुल। आप पता क्या कर रहे हो आप, मतलब मैं आपको एक
मतलब कैसे बताऊँ, मैं ऐसे समझाती हूँ कि आप इतने से हो लेकिन इतनी बड़ी चीज़ को पे जाने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। आप हो तो इतने से, लेकिन आपको क्या है ना कि इतनी बड़ी जो चीज़ है ना, वो ऐसा लग रहा है कि आप उस पर बैठे जा रहे हो, आप सोच रहे हो कि ये मेरी है, ठीक है, लेकिन वो आपसे संभल नहीं रही है, क्योंकि वो काफ़ी चीज़, जो भी आपका एम भी है ना, तो वो काफ़ी बड़ा है आपका एम, लेकिन आप उसमें उतना एफर्ट नहीं डाल रहे हो जितना आपको डालना चाहिए, तो वो चीज़ आपसे दूर, ऐसी लग रहा है कि मुझे दूर होती जा रही है, आपको बस उसका 10-20% ही आता है, जहाँ तक मुझे दिख रहा है ऐसा, कि 80% तो आपको कुछ नहीं आता उसमें, फिर आप देख लो जैसे भी आपको रेजोनेट करे। मैं तो बोलती हूँ कि जनरल रीडिंग है तो किसी के साथ करेगी रेजोनेट, किसी के साथ नहीं करेगी, तो आप गुलाब के पौधे लगाओ, ठीक है। आपको ये नहीं पता कि मतलब जिस भी चीज़ में आप ऐसा कर रहे हो ना, जैसे मैंने बताया कि है काफ़ी बड़ा एम है या काफ़ी बड़ा, बहुत मुझे पता है, यही इंट्यूशन आ रहा है बार बार कि आपका जितना मतलब बहुत बड़ा एम है, उसको शायद शायद पूरा करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है या होगा, पता नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा फीलिंग आ रही है, तो क्योंकि आप लोग उतना उसमें, कैसे बताऊँ, मतलब मुझे सीधी बात है, मैं बिल्कुल जो मन में आता है मैं बोलती हूँ, तो मुझे सीधी बात है, ऐसा लग रहा है कि वो चीज़ आपके लिए है ही नहीं जो आप सोच रहे हो, आप नहीं उसको पा सकते हो, मेरे को ऐसी फीलिंग आ रही है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी है। शुरुआत अच्छी होगी, मिड में गड़बड़ हो सकती है आपकी, मैं तो, शुरुआत अप्रैल की तो अच्छी होगी आपकी, लेकिन जैसे मैंने बताया, आप अगर उस हिसाब से चलोगे तो फिर ठीक है, अगर नहीं चलोगे तो फिर आपकी मर्जी, आपकी चॉइस, ठीक है। आप पता है क्या करते हो ना, आप एकदम से आपके दिमाग में आएगा कि मुझे ये करना है, करना है, करना है, कुछ भी काम हो या जॉब हो या कुछ भी ऐसा, आप पहले 2-3 दिन एक्साइटेड रहते हो, उसके बाद ना सब आप फिर से आलसी बन जाते हो, तो फिर आपका काम नहीं होता है ना, तो फिर आप देख लो फिर अपने हिसाब से भाई। ये हमारी पाइल वन की रीडिंग थी, देखते हैं टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं आपके। देखते हैं कि आपके टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं आपके लिए नेक्स्ट मंथ के लिए। ओ भाई साहब बहुत उड़ रहा है, देखो आप जो काम कर रहे हो वो तो कर ही रहे हो, साथ में ये भी चाहते हो कि वो जो छूट गया ना वो भी साथ में ही रहे, तो ऐसे थोड़ी पॉसिबल है। बहुत गुस्से में हो, गुस्से में एकदम से ऐसे डिसीजन लेते हो ना बिल्कुल, कि ऐसे लगेगा ना कि किसी ने बिल्कुल पत्थर पटक दिया हो। देखो आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा होल्ड करके बैठे हो ना, तो वो मत करो, और आपको मुझे ऐसा लग रहा है बहुत हीलिंग की ज़रूरत है, आपको बहुत ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत है, आपका कुछ ना कुछ तो छूटा है ऐसा जो आपको मिल भी नहीं सकता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आप हीलिंग पीरियड में हो या फिर आप, मेरे को लग रहा है कि आपको लग रहा है कि मुझे बस अकेले रहना है कुछ टाइम के लिए, तो आप उस चीज़ से दूर रहो तो ज़्यादा बेटर है आपके लिए, अदरवाइज़ बहुत दिक्कत हो सकती है, ठीक है। अगर आप उस वो आप अगर आपकी आप हीलिंग पीरियड में रहोगे, हील हो जाओगे, उस चीज़ से उभर आओगे जो आपका छूट गया है, क्योंकि आप इस टाइम इतने गुस्से में, पहले आप क्या करते हो ना, पहले आपको लगता है कि जो चीज़ है वो साथ में रहे, फिर उसके बाद आपको लगता है कि अरे ऐसे कैसे वो मेरी थी तो मुझे क्यों नहीं मिली वो चीज़, तो फिर आप गुस्सा करने लगते हो, फिर आप होल्ड करके बैठ जाते हो, फिर आप अकेले अकेले सोचते हो रहने का, तो मेरे हिसाब से आपको अकेले नहीं रहना है, और आपको वो चीज़ जो आपकी छूट गई है वो उसको छोड़ो, आगे बढ़ो लाइफ में, ठीक है, तब आपके पास वो अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। तो मैंने जैसे कि निकला भी है कि जो आप चाह रहे हो ना वो मुश्किल है बहुत पूरा होना, देखो मैं ऑनेस्ट रीडिंग करती हूँ इसलिए बता रही हूँ, बाकी तो आप अपने हिसाब से देख लो। अब आते हैं हम पाइल टू पे, ठीक है, जिन्होंने भी ये ऑफ वाइट कलर का कैंडल सेलेक्ट किया था, कि क्या कहती है आपकी रीडिंग। ओके सो ऑल द बेस्ट। तो एक बात तो है, प्रैक्टिकल बहुत ज्यादा सोचते हो, ठीक है,
आप बहुत ध्यान से देखोगे कोई चीज़ को, बहुत ध्यान से देखते हो या फिर देखोगे अप्रैल के महीने में, ऐसा मुझे लग रहा है। बहुत सोच समझ के आप डिसीजंस लोगे अपने सारे जो भी हैं आपके, ठीक है। बहुत स्लो मूव है आपका अप्रैल के महीने में, कोई भी काम में बहुत स्लो हो आप, मतलब इतना ज़्यादा सोच रहे हो ना। लेकिन आपको एक अच्छी ऑफर आएगी रिलेशनशिप में, ठीक है, या फिर आपको शादी की ऑफर भी मिल सकती है, ठीक है। गेट टुगेदर तो होगा ही, ऐसा कुछ फंक्शन होगा या कुछ भी ऐसे पार्टीज वगैरह एंड ऑल। ओके, तो आपका जो मे बी अभी जो चल रहा है, कुछ भी बिजनेस में हो, रिलेशनशिप में हो, कुछ भी हो, एक साइड से तो अलग होगा आपका, कुछ तो अलग होगा, ठीक है, या हो गया है, सेपरेशन में है, कुछ तो है ऐसा। आपके लिए न्यू न्यू ऑफर बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे आ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं आपके लिए, कोई भी मामले में हो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं वो। आप इतना ग्रो करने वाले हो ना अप्रैल के महीने में कि सब कहेंगे कि इतनी जल्दी कैसे ग्रो कर गया ये इतना। आप बहुत खुश रहने वाले हो अप्रैल के महीने में, ठीक है। आप कहीं तो घूमने जाओगे, आप प्लान भी किए हो मे बी, आप गणेश जी की पूजा किया करो। आपको बहुत मतलब ऐसा लग रहा है कि बस कहीं घूमा 4-5 दिन के लिए और बस खुश हो जाए दिल, है ना। आपका आने वाला महीना काफी ज्यादा अच्छा है, बहुत ज्यादा अच्छा है, नई नई ऑफर है आपके लिए, बहुत 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 अच्छा है आपका, सब यहाँ पे बिल्कुल खुश एकदम, सब कुछ खुशी खुशी वाला है। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि जो लोग जिनकी शादी नहीं हुई है तो उनकी शादी फिक्स होने वाली है, ठीक है। आपके लिए ऑफर काफी अच्छे हैं। एल यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, यू इम्पोर्टेंट है, आई इम्पोर्टेंट है, आपके पास पैसे ही बोलती हूँ, आपके पास पैसे बहुत सारे आने वाले हैं, ठीक है। एस एस भी इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन मार्क, आपके दिमाग में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस चल रहे हैं इस टाइम, तो उतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। 6 नंबर दिख रहा है यहाँ पे, इम्पोर्टेंट है आपके लिए। प्रमोशन हो सकती है आपकी, ठीक है। आप जो चीज़ मांग रहे थे ना यूनिवर्स से या फिर आप भगवान जी से, जो भी आप मांग रहे थे वो मैनिफेस्ट हो जाएगी अप्रैल मंथ तक, लास्ट लास्ट तक तो पक्का से आपको वो चीज़ मिल जाएगी जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। आप लोग कोई चीज़ नहीं होती है ना, तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगाया करो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी तब काम करता है जब आप किसी इंसान के साथ इंट्रैक्शन कर चुके हों या फिर आपकी बातचीत हुई हो थोड़ा बहुत, तब। अब आप कहो कि अमिताभ बच्चन मुझे मैसेज कर दे तो पॉसिबल है क्या, कभी उनसे बात हुई है तो बात अलग है। आप जो चीज़ नई सीखने की कोशिश कर रहे हो वो काफ़ी अच्छी है, जो भी आप सीख रहे हो। आप अपने आप को काफ़ी ज़्यादा मतलब अपने आप में, मतलब आप अपने आप पे सीधी बात है बहुत ध्यान देने वाले हो अप्रैल के महीने में, खुद पे ज़्यादा ध्यान दोगे आप, और आप एक निखर के आपकी पर्सनैलिटी बाहर आएगी, ठीक है। तो वो अच्छी है आपकी पर्सनैलिटी जैसी भी हो, को तो नहीं पता लेकिन इसमें काफी अच्छी है। आप हार्डवर्किंग काफी ज्यादा हैं तो बहुत अच्छी बात है कि आप हार्डवर्क बहुत करते हैं, तो आपका हार्डवर्क भी पे ऑफ करेगा बाद में, बिल्कुल करेगा, ठीक है। आप प्रैक्टिकली काफी ज्यादा सोचते हो, इमोशनली कम सोचते हो, तो बढ़िया है, क्योंकि इमोशनल होने से ना आप खुद को परेशान कर लेते हो, लेकिन आप प्रैक्टिकल रहोगे तो परेशान नहीं रहोगे कभी। कोई आपको बहुत ध्यान से देख रहा है या देखेगा अप्रैल के महीने में, काफी ज्यादा अटेंशन मिलने वाली है आपको।
काफ़ी लोग आपके साथ कनेक्ट करने की बहुत कोशिश करेंगी, ठीक है? ऐसा लग रहा है आपको, ऐसा लग रहा है कि कहीं बिल्कुल ठंडी ठंडी जगह पे चले जाओ, घूम आओ। आपको एक कहीं ना कहीं आपको ये भी चाहिए कि अपने दोस्तों के साथ घूमाओ, या फिर आपको कभी कहीं किसी किसी के साथ ऐसा भी हो सकता है कि उनको लगे कि उनको खुद के लिए टाइम देना है तो कहीं जाएंगे। किसी को टेडी बियर गिफ्ट कर दो, ऐसी मतलब आई है वाइब्स तो बोल दिया मैंने। काफी ज्यादा ग्रो करने वाले हो आप, काफी ज्यादा ग्रो, मतलब आपकी पर्सनैलिटी एकदम से चेंज हो जाएगी। आप बहुत मतलब बहुत सोच समझ के हर काम करते हो, बहुत सोच समझ के, तो अच्छी बात है, सोच समझ के ही काम करना चाहिए, लेकिन काफ़ी ज़्यादा समझदार हो आप, इंटेलिजेंट हो, लेकिन फ़न लविंग बहुत ज़्यादा हो आपको, बहुत अप्रैल के महीने में तो मज़े ही मज़े हैं आपको। आपको पार्टीज इन ऑल का बहुत ज़्यादा शौक है ऐसा लग रहा है मुझे, और मिलेंगी आपको अप्रैल के महीने में, काफ़ी ज़्यादा घूमने को मिलेगा और कहीं ना कहीं जाते ही रहोगे आप, ऐसा लग रहा है मेरे को। आपको पढ़ाई करना है तो ऐसा लग रहा है मुझे ग्रुप स्टडी चलेगी या फिर चल रही है। किसी पे गुस्सा मत करना, जरूरी नहीं है, क्योंकि सामने वाला पीछे हट जाएगा, देखेगा ही नहीं आपको। कोई आपके घर में ऐसे हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा मैच्योर्ड पर्सन हैं, तो वो आप पे बहुत ध्यान देते हैं। उनको अगर आप सेवा करोगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी करोगे तो मतलब वो इतने स्ट्रांग फिट हैं ऐसा फील हो रहा है मुझे कि ज़रूरत ही नहीं है उन्हें किसी की। आप लेकिन इनोसेंट बिल्कुल नहीं हो, सोच रहे हो इनोसेंट हो, इनोसेंट तो बिल्कुल भी नहीं हो आप, सिर्फ दूसरों को दिखता है ऐसा। काफ़ी ऊंचे आपके एम हैं, काफ़ी ज़्यादा आप मतलब आपको पसंद है कि आप लग्जीरियस लाइफ जिए, तो मे बी आप जितना हो सकता है आप उतना अपने तरीके से जीने की कोशिश करते हो, और अप्रैल के महीने में भी काफ़ी अच्छा है आपका, तो जो आप चाहोगे वो चीज़ मैनिफेस्ट तो होनी ही है। नाइस रीडिंग, बट बहुत जल्दी मत करना, ठीक है? किसी भी काम में बहुत ज़्यादा जल्दी मत करना, ठीक है? टाइम लेके हर चीज़ करना, बट बहुत ज़्यादा आप हो भी जाते हो ना एक्साइटेड एकदम से, फिर रह जाओगे अगर किसी काम करना चाह रहे हो आप, फिर आप पीछे ही खुद ही अड़ जाते हो। पहले आपको सही गलत बिल्कुल नहीं दिखता है, फिर आपको समझ में आती है कि सही क्या है गलत क्या है। जितने गुल्लक में पैसे जोड़े हैं आप दूसरी भरो भाई, बहुत पैसे आने वाले हैं आपके पास। कोई तो आप पे नजर रखता है भाई बहुत, आप सोचो कि आप छुपके कोई काम कर लो तो वो पॉसिबल ही नहीं है, कहीं ना कहीं से आपकी बात पता चल जाएगी या चल जाती होगी। ठीक है, तो आप
ऑल ओवर आप काफ़ी खुश रहने वाले हो उस मंथ में, नेक्स्ट मंथ में अप्रैल की। तो काफ़ी अच्छी रीडिंग थी आपकी, कुछ टैरो की मदद से देखते हैं। इतने तो मैं नहीं लूंगी, ठीक है। टू ऑफ पेंटिकल्स, तो आप दो रास्ते आपके लिए, तो आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि लोग आपकी काफ़ी ज़्यादा सुनते हैं और उनको ऐसा लगता है कि आप जो भी डिसीजन लेंगे वो सही लेंगे दूसरों के लिए, तो लोग आपके पास में भी आते हैं या आएंगे, ठीक है। आप एक एंजल की तरह हो, तो कहीं ना कहीं लोगों को ये भी लगेगा कि आप मतलब ऐसे कर देते हैं किसी के साथ, मतलब आप पक्षपात करते हैं, तो ऐसा ना रहे तो अच्छी बात है, बाकी तो सब बेस्ट है। लेकिन आप डिसीजन मेकिंग में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, एज आई टोल्ड यू कि लग्जीरियस लाइफ अप्रैल के मंथ में, तो ये बॉटम ऑफ द डेक भी आया है। तो अभी भी आप होल्ड किए हो कुछ चीज़ जो आप नहीं बता पा रहे हो, या फिर आप सीधी बात है मैं बोल रही हूँ कि आप एंजॉय करो लाइफ को, और स्ट्रॉन्ग तो हमेशा रहना ही चाहिए, आप आगे बढ़ो। आप जो चीज़ मैं बोल रही हूँ ना, आप कुछ तो मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, वो चीज़ आपको मिल जाएगी, सो डोंट वरी। लेकिन आप एक चीज़ पे अडिग रहें, या तो ये वाला या फिर ये वाला, तो दो में से एक आपके लिए, दोनों ही वैसे मुझे लग रहा है कि ना, जो आपका पहला वाला है, आप मतलब वो सोच रहे हो, जो आपकी पहली जिसके साथ डील हुई है, तो आप वो सोच रहे हो कि मेरे को उसके पास जाना चाहिए, लेकिन आपको बता दूं कि जो दूसरा वाला आएगा वो बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो ये थी हमारी 5-2 की रीडिंग। आप लोगों को अच्छी लगती है मेरी रीडिंग्स, पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मेरे, बहुत थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।